हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। मैं आपको आज कुछ दिखलाने वाली हूँ। मैंने दो पार्सल ऑर्डर किया था, तो मैंने दो कुर्ती ऑर्डर किया था। मैं आपको दिखलाऊंगी, जब आप देखोगे तो आप भी अचंभा करोगे कि ये कुर्ती कैसी है। तो मैं आपको दिखलाऊंगी और बतलाऊंगी कि मैंने कैसा कुर्ती देखा था और कैसा आया है। तो आप सब प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर बतलाना कि ये पार्सल जो होता है वो सही होता है मंगवाना या गलत होता है, क्योंकि हम कभी कभी तो सही चीज़ें मंगवा लेते हैं लेकिन कभी हमसे मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि दिखलाया जाता है कुछ और ऑर्डर करने पर आ जाता है कुछ और। तो चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बतलाती हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो कुर्ती ऑर्डर किया था, एक पैरोट कलर का था, बहुत ही प्यारा था। मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा था कि मैं पैरोट कलर की कुर्ती या साड़ी कुछ भी लूँ, लेकिन तीज के समय मुझे मनपसंद साड़ी नहीं मिली पैरोट कलर की, तो इसलिए मैंने येलो और रेड कलर की साड़ी ली थी। आपने देखा ही होगा वीडियो में, तो मुझे कुर्ती बहुत पसंद आई। मुझे लगा कि चलो कम पैसों में अच्छी कुर्ती मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, जब ये ऑर्डर आया मेरे पास, तो देखिए क्या ऑर्डर आया। ये कैसा कपड़ा है, एकदम से पतला। ये समीज का कपड़ा है जिसे हम किसी कुर्ती के अंदर पहनते हैं, तो देख सकते हैं आप। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये मतलब जो मैंने ऑर्डर किया था वो आया नहीं, ये समीज के कुर्ती के नाम पर ये समीज आ गया और ये किसी काम का नहीं है मेरे, क्योंकि मैं क्या करूँगी इसका, और इसका वापस करने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने शॉपसी से मंगवाया था, तो मुझे लगा कि शायद अच्छी कुर्ती आ जाएगी। और एक कुर्ती मैंने और ऑर्डर किया था, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर की मैंने कुर्ती ऑर्डर की थी, लेकिन ये ब्लू कलर की आई। तो ये भी बहुत ही अच्छी मुझे दिखी मोबाइल में। मुझे लगा कि चलो दो दो कुर्ती में कम पैसों में डेली यूज के लिए मंगवा लेती हूँ, लेकिन इसका भी कपड़ा कोई ख़ास नहीं है। और जब अगर इसे मैं पहनूँगी धोऊँगी तो मुझे लगता है कि सारे कलर इसके उतर जाएंगे। तो ये मैं पहली बार की हूँ शॉपसी से, मैंने पहले कभी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था। मैंने किया था लेकिन कपड़े नहीं, ये फर्स्ट टाइम मैंने मंगवाया था। लेकिन अब मैं नहीं मंगवाऊंगी शॉपसी से कभी भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ये धोखा दे दिया और मैं इसे वापस भी नहीं कर सकती। तो इसे तो मैं कभी कभार पहन लूँगी, एक दो दिन पहन कर पैसे वसूल कर लूँगी। लेकिन आप कभी भी कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो पूरी अच्छी से जाँच पड़ताल कर ले, क्योंकि हमें दिखलाया जाता है कुछ और ऑर्डर करने पर आ जाता है कुछ, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको दिखलाऊंगी कि मैंने कैसी कुर्ती ऑर्डर की थी। साइड में मैं फ़ोटो डाल दूंगी जिससे आप देख सकते हैं और आपको पता भी लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कपड़ा भी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मुझे लगा था कि चलो अच्छे कपड़े मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं भी कभी कभार ऑनलाइन कपड़े शॉपिंग करती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती ऑनलाइन, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद ही नहीं है। मैं अधिकतर कपड़े दुकान से ही जाकर आँखों के सामने देख कर जाँच पड़ताल करके ही लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऑनलाइन चीज़ें बहुत अच्छी भी मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभी हम मिस्टेक कर जाते हैं, हमें बेवकूफ़ बना दिया जाता है, जैसे मैं बन गई। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगे, लेकिन फिर भी एक होता है कि चलो अच्छी चीज़ें मैं मंगवा रही हूँ। लेकिन इस बार मुझे कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं मिली। दोनों चीज़ें ऑर्डर जो मैंने की थी, दोनों का कलर चेंज है और कपड़े एक का तो पूरा चेंज ही हो गया, कलर से लेके कपड़े तक। और इसका जो मैंने ब्लैक मंगवाया था वो ब्लू हो गया। तो पता नहीं क्यों ऐसे ऑनलाइन वाले करते हैं, क्योंकि पैसे तो पूरा लेते हैं लेकिन सामान सही नहीं देते। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप कभी धोखा ना खाएं, क्योंकि अधिकतर कभी कभी हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगे, लेकिन फिर भी अफसोस होता है, क्योंकि पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। तो आपने देखा कि मुझे कैसे कपड़े ऑनलाइन मिले हैं। तो फ्रेंड्स, इसे तो मैं वापस नहीं कर सकती। कोशिश करूँगी कि अगर कुछ चीज़ों में ये यूज हो जाए तो दो बार इसे पहन लूँगी, मगर इसे तो ये पड़ा ही रहेगा, इसे मैं रख दूँगी, शायद कभी काम आ जाए, और नहीं आए तो भी क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोग धोखा ना खाएँ। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं, नमस्कार।